हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होमी टिप्स अगेन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विंटर्स आने वाले हैं, आज मैं आपके लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक। आप देख सकते हैं क्या है, ये है कच्चा दूध। फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे विंटर आ जाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो काफी ही ड्राई हो जाती है और उसके बाद उस पर बहुत सारे रैशेज पड़ जाते हैं और हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसका सोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली जाके मार्केट से कोई भी लोशन ले आते हैं, बट वो हमारी प्रॉब्लम का एंड नहीं कर पाता, वो केवल उसे टेम्पररी पीरियड के लिए खत्म कर पाते हैं। हमने 2 घंटे लगाया लोशन, हमारी खुजली दूर हो गई, उसके बाद आफ्टर 5 to 6 hours उसके बाद फिर से हमारी खुजली दोबारा से शुरू हो जाती है। तो आज हम देखेंगे उसका एक परमानेंट और नो कॉस्ट उपाय। और फ्रेंड, सबसे खास बात इस ट्रिक की ये है कि आपको इसमें कोई ज्यादा इंग्रीडियंट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली 1 ingredient इज देयर, दैट इज दिस रॉ मिल्क। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये कच्चा दूध ले लेना है और इसको करीबन 3 से 4 घंटे तक आपको फ्रिज में रख देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने फुल क्रीम कच्चा दूध ले लिया। 3 से 4 घंटे रखने के बाद फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा हो चुका है, एंड यू कैन सी यहाँ पर, ये देखिए आप, मलाई आ गई है। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसको, आप इजिली से हैंड से ले आइए। ये देखिए, दिस इज द प्योर मलाई यू कैन गेट फ्रॉम दिस रॉ मिल्क। और ऐसे आप इसे निकाल लीजिए। और अब फ्रेंड्स, ये एक जो चीज़ है आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम से आपको दूर कर देगी और इसमें बहुत ही सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जब हमारी वर्ल्ड इतनी डेवलप नहीं हुई थी, जब उसमें सारी लोशन बॉडी क्रीम सब कुछ नहीं आए थे, तो केवल जो हमारी दादी नानियाँ थी वो तब भी इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी उनकी फ्लॉलेस स्मूथ स्किन कैसे रहती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। जब भी वो कभी भी घी निकालती थी, ऐसा कुछ भी करती थी, तो जब ऐसी क्रीम आती थी तो वो सिंपली उसे अपनी स्किन पर लगा लिया करती थी और अननोइंगली वो ऐसा करती थी, लेकिन उनकी स्किन इससे बहुत स्मूथ हो जाती थी। चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये क्रीम ले लेनी है और इसको आप ऐसे जैसे आप लोशन लगाते हैं, देखिए आपको फील भी बिल्कुल वैसे आएगा जस्ट लाइक कि आप लोशन ही अप्लाई कर रहे हैं। एंड सिंपली यू हैव टू रब इट लाइक दिस, एंड जहां पर भी आपको लगाना है आप इसे लगा दीजिए। इसको ओवरनाइट अगर आप छोड़ देंगे तो आपको रिजल्ट्स अनबिलीवेबल मिलेंगे फ्रेंड्स। और जहां पर भी आप लगाना चाहते हैं, जहां ज्यादा ड्राइनेस है, यू कैन अप्लाई इट देयर। तो फ्रेंड्स, मैंने जो क्रीम है अप्लाई कर ली है और ये बहुत ही सुपर्ब एक लोशन है। मैं इसको टॉप पर रखूंगी एज कम्पेयर टू निविया और एनीथिंग लाइक पॉन्ड्स, कुछ भी इसको कंपेयर नहीं कर सकता है। ये जो मेरी ट्रिक है, मैं इसको लास्ट 5 years से अप्लाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये मुझे मेरी मम्मा ने ही बताया था और मैंने देखा कि मेरी तो सारी की सारी ड्राइनेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप जरूर इसे ट्राई करें, इसमें कुछ भी नहीं है, विद इन फ्यू मिनट्स यू कैन गेट दिस। तो फ्रेंड्स, हमने इसे अप्लाई करना तो देख लिया है, लेकिन अब हमें देखना है हम इसे यूज़ कैसे करें। फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मलाई होती है थोड़ी सी चिपचिपी ज़रूर होती है, इसलिए इसका बेस्ट यूज़ कब होगा, जब आप इसे ओवरनाइट यूज़ करेंगे, यानी कि आप रात को सोते समय इसे लगा लें और पूरी रात भर लगा रहें, देन जो सुबह उठ करके आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन अब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और उसे किसी भी एक्सटर्नल मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इसे लगा करके बाहर ना जाएं, क्योंकि थोड़ी चिपचिपी होती है, इस कारण से आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग सकता है। तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे नाइट में ही अप्लाई करें। आई होप सो कि ये आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये ट्रिक आप अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो कि क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम ऑफ द लोग ये वाली प्रॉब्लम को फेस करते हैं सर्दियों में। तो आप लोग इस ट्रिक को शेयर करें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल से ऐसी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें।